हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल एट होम। तो दोस्तों, जैसे कि हम रिवीजन कर रहे थे बिल्डिंग मटेरियल्स के एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो दोस्तों आज बिल्कुल उससे भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ हम डे 16 अपना करेंगे। डेली 10 क्वेश्चंस की सीरीज दोस्तों चल रही है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखें तो दोस्तों आप उन्हें भी देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और देखते हैं आज के हमारे 10 क्वेश्चंस कौन से हैं विद फुल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या पूछा गया है। द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड स्टोन यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल मस्ट नॉट बी। दोस्तों सबसे पहली बात क्वेश्चन में क्या होती है उसे समझना। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जो हमारे बिल्डिंग मटेरियल के अंदर स्टोन आते हैं, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में स्टोन यूज होते हैं, उनकी क्रशिंग स्ट्रेंथ कितने से कम नहीं होनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों इसमें अब एक टर्म आई है, क्रशिंग स्ट्रेंथ। क्रशिंग स्ट्रेंथ दोस्तों होती क्या है? क्रशिंग स्ट्रेंथ दोस्तों वो होती है जब भी हम किसी भी मटेरियल के ऊपर हम उसको लोड लगाते हैं और विदाउट फ्रैक्चर जितना भी वो बियर कर लेता है लोड, मैक्सिमम लोड विदाउट फ्रैक्चर वो जितना बियर कर लेता है उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहते हैं। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन एग्रीगेट जो भी आपसे पूछा जाएगा वो किसी भी मटेरियल की क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है। अब आपसे पूछा गया है कि वो स्ट्रेंथ कितने से कम नहीं होनी चाहिए अगर हम उस स्टोन को बिल्डिंग में यूज कर रहे हैं। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दोस्तों इसके क्या क्या दिए गए हैं, इसके ऑप्शन दिए गए हैं 10 मेगा पास्कल, 50 मेगा पास्कल, 100 मेगा पास्कल और 120 मेगा पास्कल। दोस्तों इसका राइट आंसर है 120 मेगा पास्कल। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है एसएससी जेई के एग्जाम में। अब दोस्तों यहाँ पर मेगा पास्कलों को मैं थोड़ा आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों जो पास्कल होता है, पास्कल की जो यूनिट होती है उसका मतलब होता है, पास्कल यूनिट होती है स्ट्रेंथ की, और इसका मतलब क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। और मेगा पास्कल का मतलब दोस्तों क्या होता है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। यहाँ से इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारे बिल्डिंग मटेरियल में स्टोन होते हैं उनकी स्ट्रेंथ 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, इन ऑर्डिनरी सीमेंट अबाउट 90% ऑफ इट्स फाइनल स्ट्रेंथ इज अचीव्ड इन। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जो हमारा ऑर्डिनरी सीमेंट होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है, जो उसकी 99% स्ट्रेंथ होती है वो कितने दिन में अचीव की जाती है या फिर कितने दिन में अचीव हो जाती है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, एक बात मैं आपको नोट पॉइंट बता देता हूँ इसके अंदर, जो हमारा सीमेंट होता है एज के साथ उसकी स्ट्रेंथ हमेशा कम होती है, एज के साथ सीमेंट की स्ट्रेंथ दोस्तों कम होती है, इस चीज़ को याद रखिए। और जो हमारा कंक्रीट होता है, कंक्रीट की दोस्तों जो इसके स्ट्रेंथ होती है एज के साथ वो हमेशा इंक्रीज होती है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें आपसे पूछा गया है 99% ऑफ ऑर्डिनरी सीमेंट वो कितने दिन में अचीव हो जाती है, वो भी हम देख लेते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर है 99% ऑफ इसकी स्ट्रेंथ 28 डेज। 28 डेज में जो हमारा सीमेंट होता है उसकी 99% स्ट्रेंथ हमें गेन हो जाती है। और दोस्तों एक नोट पॉइंट और देख लीजिए, जो हमारी एक दिन में कितनी स्ट्रेंथ आती है वो 16% स्ट्रेंथ आती है, और 3 दिन में कितनी स्ट्रेंथ आती है, 40% उसकी स्ट्रेंथ 3 दिन में आती है, और 7 दिन के अंदर जो उसकी स्ट्रेंथ आती है वो 65% होती है दोस्तों। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, 40 दिन में दोस्तों इसकी स्ट्रेंथ 90% हो जाती है, ठीक है दोस्तों, याद रखिए, ये नोट पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, व्हाट इज द मेन रीजन टू यूज लाइम इन द सीमेंट सलरी ड्यूरिंग द प्लास्टरिंग इन द टॉप कोट। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जो हमारी लाइम का हम यूज करते हैं, लाइम सीमेंट सलरी का यूज करते हैं ड्यूरिंग प्लास्टरिंग, प्लास्टरिंग के बाद टॉप सरफेस पर जो हम लाइम सीमेंट सलरी यूज करते हैं उसका कोट करते हैं, वो किस रीजन की वजह से हम करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर है टू मेक द प्लास्टर नॉन श्रिंकेबल। अब दोस्तों बात आती है नॉन श्रिंकेबल क्या होता है। नॉन श्रिंकेबल दोस्तों वो होता है जो भी हमारा कोई भी मटेरियल श्रिंक ना हो। श्रिंक ना हो का मतलब क्या होता है, उसके वॉल्यूम चेंज ना आए, उसका वॉल्यूम कम ना हो। इस वजह से हम क्या करते हैं, प्लास्टरिंग के ऊपर या प्लास्टरिंग के टॉप पर हम एक कोटिंग कर देते हैं, किसकी, लाइम की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है दोस्तों, ये बात आपकी समझ में आई। लाइम की कोटिंग की जाती है, लाइम सीमेंट सलरी की कोटिंग की जाती है, किसको प्रिवेंट करने के लिए, नॉन श्रिंकेज को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ ओपीसी, हाइड्रेशन प्रोसेस दोस्तों सब पता होनी चाहिए सबको क्या होता है, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ ओपीसी व्हाट इज द वाटर रिक्वायरमेंट
एक्सप्रेस इन परसेंटेज बाय वेट ऑफ सीमेंट टू कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन। इसमें दोस्तों आपसे पूछा गया जो हमारा हाइड्रेशन होता है किसी भी सीमेंट का, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का, इसमें आपसे मिली पूछा गया है उसका हाइड्रेशन प्रोसेस में परसेंटेज बाय वेट, मतलब सीमेंट के परसेंटेज वेट के अनुसार हमें कितने वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उसके हाइड्रेशन को कंप्लीट करने के लिए, ये आपसे दोस्तों पूछा गया है। हाइड्रेशन दोस्तों क्या होता है, उस जब भी हम सीमेंट के अंदर क्या करते हैं, सीमेंट के अंदर हम वाटर मिक्स कर देते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें से एनर्जी रिलीज होने जाती है। उस एनर्जीज को पूरी रिलीज होने के लिए कितने वाटर की रिक्वायरमेंट हमें चाहिए होती है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज वाई वेट भी अभी आपको क्लियर हो जाएगा कितने की रिक्वायरमेंट होती है, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूँ आप लोगों के लिए। इसके जो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है, 25% से 35% हमें हाइड्रेशन करने के लिए सीमेंट का वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इसको ऐसे समझिए, अगर आपके पास 100 kg सीमेंट है तो दोस्तों अगर आपको उसका फुल हाइड्रेशन करना है, उसके अंदर से उसकी पूरी एनर्जी रिलीज कर देनी है, उसको पूरा हाइड्रेट कर देना है, तो दोस्तों आपको 25 से 35 लीटर किसकी रिक्वायरमेंट होगी, वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। और ये कैसे कैसे होगी वो मैं आपको दोनों, 23% दोस्तों में वाटर की रिक्वायरमेंट या होती है वो होती है उसकी फुल हाइड्रेशन को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन एडिशनल 50% जो हमें रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारा सीमेंट के अंदर वॉइड्स होते हैं उन वॉइड्स के अंदर उस हाइड्रेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें एडिशनल 50% की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों हमें 38% रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए, एटलीस्ट मतलब मैक्सिमम में 38% रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर होती है उसको हाइड्रेशन को कंप्लीट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डेलीट्रियस सब्सटेंस इन एग्रीगेट आर अनडिजायरेबल बिकॉज दे मे बी। ये क्वेश्चन दोस्तों हमारे सिक्सवें क्वेश्चन है सारे 2018 में जो पेपर हुआ था SSC JEE 2017 का, उसकी इवनिंग शिफ्ट में आए हैं। अब बात आती है डेलीट्रियस सब्सटेंस क्या होते हैं, डेलीट्रियस सब्सटेंस दोस्तों वो होते हैं जो हमारे किसी भी मटेरियल को क्या कर देते हैं, उसको नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है दोस्तों, डेलीट्रियस मटेरियल को हम हानिकारक पदार्थ भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है दोस्तों, अब उन्हीं मटेरियल को पूछा गया है वो उनकी अनडिजायरेबल होते हैं एग्रीगेट में, क्यों होते हैं, उसका रीजन क्या होता है। सबसे पहले बात दोस्तों, हमें डेलीट्रियस मटेरियल पता होने चाहिए एग्रीगेट के अंदर कौन से होते हैं, वो 6 मटेरियल दोस्तों होते हैं डेलीट्रियस मटेरियल जो हमारे एग्रीगेट के अंदर होते हैं। पहला दोस्तों कौन सा होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, क्ले होता है, सिल्ट होती है जो, और हमारा सॉल्ट होता है, अनसाउंड मटेरियल होते हैं और एल्कलीज भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे कौन से होते हैं, 6 डेलीट्रियस सब्सटेंस होते हैं एग्रीगेट के अंदर जो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनका क्या क्या नुकसान होता है वो भी देख लीजिए, ये क्या करते हैं, अफेक्ट द स्ट्रेंथ वर्केबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑफ द कंक्रीट। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, हैविंग द इंट्रिंसिक वीकनेस, सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस। इनके अंदर दोस्तों जो हमारी हार्डनेस, सॉफ्टनेस और उनकी वीकनेस, इंटरनल वीकनेस होती है उसको इंक्रीज कर देते हैं, उसकी फाइनेस बढ़ा देते हैं, उसकी सॉफ्टनेस को बढ़ा देते हैं। इंटरफेयर विद द केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रेशन, जो उसकी हाइड्रेशन की केमिकल रिएक्शन होती है उनमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं, उनको डिस्टर्ब करने लग जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों का सही आंसर है, वो इन सबको इफेक्ट करते हैं डेलीट्रियस सब्सटेंस। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ प्लाईवुड। प्लाईवुड का दोस्तों आपसे मेन एडवांटेज पूछा गया है क्या होता है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन क्या क्या दिए गए, स्ट्रेंथ इज मोर इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, स्ट्रेंथ इज मोर इन ट्रांसफर डायरेक्शन, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, श्रिंकेज स्ट्रेस इज मिनिमम। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है प्लाईवुड की वो सभी डायरेक्शन में सेम होती है, मतलब वो हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट पर ज़्यादा है, एक पॉइंट पर बहुत कम है, मतलब ये हमारे लिए एक एडवांटेज है कि जो हमारे प्लाईवुड होती है उसकी स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ सभी डायरेक्शन में सेम होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा गया है, दी हार्डवुड इज प्रोड्यूस बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज। दोस्तों सबसे पहली बात, हार्डवुड जो हमारे ट्री प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों जो हार्डवुड हमारी प्रोड्यूस करते हैं ट्रीज, उनको हम कहते हैं डेसीड्यूस, डेसीड्यूस ट्रीज उन्हें हम कहते हैं जो क्या करते हैं, हमारी हार्डवुड को प्रोड्यूस करते हैं। और जो कॉनिफर्स ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी सॉफ्टवुड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपने पूछा गया है कि इसमें हमारा कौन सा फॉलोइंग ट्री हार्डवुड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ये जो दोस्तों चील होता है, चील हमारा किसका एग्जाम्पल है, कॉनिफर्स ट्रीज का एग्जाम्पल होता है, और जो शीशम होती है वो होती है हमारी कौन सी, डेसीड्यूस ट्रीज का एग्जाम्पल होता है, और इसीलिए जो हमारी हार्डवुड होती है वो शीशम ही हमें प्रोड्यूस करके देता है।
क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर एट हमारा क्या है, कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर एट में आपसे क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक्स हैज मोर वेदरिंग रेजिस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स दोस्तों हमें पता होनी चाहिए, मेटामॉर्फिक रॉक्स दोस्तों हमारी वो होती है जब भी हमारा जो हमारी पेरेंट रॉक होती है, जो हमारी रॉक होती है उसका टेम्परेचर अगर मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 200 डिग्री सेल्सियस होता है तो क्या होता है, वो हमारा लावा बनने लगता है और इससे हमारी इग्नेशियस रॉक बनने लगती हैं और कई तरह की रॉक बनने लगती हैं और उन्हीं में बाद में जाकर हमारा मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। ठीक है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया, अब इनमें सबसे ज्यादा मेटामॉर्फिक रॉक की वेदरिंग रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी रॉक में होती है। इसका राइट आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वार्ट्ज में सबसे ज्यादा वेदरिंग रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ स्टोन इज यूज्ड इन रबल मेजनी। रबल मेजनी दोस्तों मैं पता नहीं, रबल मेजनी दोस्तों हमारी वो होती है जहां पर भी हम स्टोन्स को एक साथ मतलब इन नॉन अप्रोप्रिएट वे में, अनअप्रोप्रिएट वे में हम उन्हें यूज कर लेते हैं वहां पर, जैसे हमारा कोई भी हम कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, कोई भी वॉल बना रहे हैं, अगर हम उसके अंदर या तो हम उन्हें फिल कर रहे हैं या फिर उनके साइड्स में हम उन्हें कवर करने के लिए कोई भी स्टोन को यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइंडिंग मटेरियल उन्हें लगाते हैं, उसे ही हम रबल मिसनरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें आपसे पूछा गया रबल मिसनरी के अंदर हम कौन सी स्टोन यूज करते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वन, हार्ड जो हमारे स्टोन होते हैं हम उन्हें रबल मिसनरी के अंदर यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी क्वेश्चन दोस्तों आज का देखते हैं हमारा क्या है, द हाइड्रोलिसिटी ऑफ द हाइड्रोटिक लाइम इज मेनली ड्यू टू। जो हमारे लाइम के अंदर हाइड्रोलिसिटी होती है वो किसकी वजह से होती है। हाइड्रोलिसिटी दोस्तों हमें पता होनी चाहिए हाइड्रोलिसिटी क्या होती है, जब भी हम लाइम के अंदर क्या करते हैं वाटर मिक्स कर देते हैं, वाटर के कॉन्टेक्ट में आने के बाद लाइम क्या हो जाता है वो हार्ड होने लग जाता है, उसी की लाइम की उस प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं हाइड्रोलिसिटी कहते हैं। और ये जो हमारी प्रॉपर्टी होती है किसकी वजह से होती है, ऑप्शन नंबर 2 क्ले की वजह से, जो हमारा हाइड्रोलिसिटी होती है वो लाइम के अंदर क्ले की वजह से होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो SSC JEE की तैयारी कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स।